वेलकम चौधरी साहब। जी मैं दुर्दाना। जी दाने पे दाना दुर्दाना। ये तो गाड़ी में रखा है। आप कहाँ खो गए चौधरी साहब? कहीं नहीं जी। आपको खोया खोया देखकर मुझे टॉमी की याद आ गई। वो भी कहीं खो गया था, छोटा सा था, लंबे बालों वाला। आइए ना अंदर। इतना फास्ट चलते हैं। कैन आई कॉल यू शुएब अख्तर? आपकी बेटी बहुत प्यारी है, बिल्कुल आप पे नहीं गई। थैंक यू जी। वो आपका डायनासोर नजर नहीं आ रहा जी। पापा टीनो। हाँ वही, आपको देखकर राजी मुझे लग रहा है जैसे आपका मेरा पुराना ताल्लुक है। जी मैं बता रही थी कि मेरा डीनो लाखों में एक है। ऐसा दामाद आपको 100 साल ढूंढने पे भी नहीं मिल सकता चौधरी साहब। ऐसी समधन भी कहीं नहीं मिल सकती। डीनो के पापा को गुजरे तो समान ही गुजर गए, वो ऐसे मेरे सामने से गुजरे, फिर उनमें से गाड़ी गुजर गई। बड़ी खुशी हुई जी ये सुन के। जी बड़ी खुशी हुई जी कि आपने इतने सालों से अपने आप को इतना संभाल के रखा हुआ है। मैंने कहाँ संभाला, मैं तो एक्सीडेंट देख के बेहोश हो गई थी। वहाँ एक खूबरू नौजवान था जिसने मुझे संभाला। पापा चले। चलते हैं पुत्री। नाश्ता नहीं बनाना, मैं ले आया हूँ। पापा वो ओ बस 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 पुत्री, ओए मैं समझ गया ये कौन है। ओ ये मेरा पुत्र डायनासोर है। जी वो अंकल मैं। ओए चुप कर, लड़का पसंद है मुझे, ये रिश्ता मंजूर है। वही ओए चला पुत्री, शादियों की तैयारियां करे। आजा पुत्री आजा। ये क्या हो रहा है? हाय 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 हाय, कौन काफिर कहता है कि जवानी फिर नहीं आनी। ओए सदके जाऊं तेरे चौधरी दिलदारा। आए 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 आए। काफरा और तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं चाय लेने आ रहा था। तुम सुबह सुबह कहाँ मर गए थे? मुझे क्या पता था तेरा ससुर सुबह सुबह आ जाएगा। अरे अब पापा ने ना तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता तय कर दिया। तो तुम मना कर दो? कैसे मना कर दूं? एक रात पहले मैं उनसे कह रही हूँ कि मैं ये शादी नहीं कर सकती, आई लव डीनो, और अगले दिन मना कर दूं? तो मैं ही तो डीनो हूँ। हाँ लेकिन पापा के लिए इस वक्त ये डीनो है। तुम्हारे पापा की तो मैं। लिसन, मैं अपने बाप के बारे में ना कुछ नहीं सुन सकती। और तुम्हारा बाप जो दुर्दाना जी से फरमा रहा था वो सुन सकती हो तुम? क्या क्या फरमा रहे थे? थरक फरमा रहे थे वो। क्या कह रहा यार? मैं बता रहा हूँ तुम्हारे बाप की नीयत ठीक नहीं है मुझ पे, मतलब दुर्दाना जी पे। तो तुम्हें किसने कहा था कि मेरे बेचारे बाप के सामने जो इस तरह अपना पल्लू लग रहा हो, मेरे बेचारे बाप को वरगला रहा था ये? अच्छा अच्छा लड़ो मत, मेरे पास एक आइडिया। तू रहने दे भाई, सुन तो ले भाई। तू गाना सुना दे, आइडिया छोड़ दे भाई, सुन तो ले।
एक मिनट बैठ तो बैठ एक मिनट बैठ। देखो मैं और मम्मी यानी दुर्दाना चौधरी साहब के घर जाएंगे और मैं ऐसा इंप्रेशन दूंगा कि वो इस रिश्ते से इनकार कर देंगे। इंप्रेशन तो तू देगा लेकिन हमारी शादी का क्या होगा? उसका भी कुछ कर लेंगे, पहले ये वाला रिश्ता तो खत्म करें। He's right. मैं पापा से आज ही कह दूंगी कि कल तीनों आ रहा है मम्मी के साथ, हमें ये रिश्ता तोड़ना पड़ेगा। हाँ तुम ठीक कह रही हो, हमें रिश्ता खत्म करना होगा। ओ भाई अभी तो खत्म कर दो। चौधरी साहब के पास एक से एक बंदूक है जनाब, शिकार खेलने के तो ऐसे शौकीन है, हाय 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 कमाल कमाल किस्म के शिकार किए हैं। और सबसे बड़ी बात है, वेलकम 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 दुर्दाना जी, वेलकम 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 दुर्दाना जी, वेलकम। थैंक यू चौधरी साहब। माशाल्लाह सदके जावा सदके जावा। डिनोनो और तू क्यों इतना खामोश खामोश बैठा हुआ है? देखिए अंकल जी, इससे पहले कि आप रिश्ते की बात और आगे बढ़ाएं, मैं आपको एक बात साफ साफ बता देना चाहता हूं कि मैं दहेज में कम से कम 20 लाख रुपए कैश और 10 तोला सोना लूंगा। ये क्या तूने भीख मांगनी शुरू कर दी और नेवले? और मैंने अपनी बेटी के लिए 50 तोले सोना रखा हुआ है और नोटों की तो तू परवाह ही ना कर, बोरियां भर भर के बड़ी वालियां अलहदा रखी हुई हैं मैंने। आगे गल कर। चौधरी साहब इतनी भी क्या जल्दी है आपको बच्चों की शादी करने की? देखे ना जी दुर्दाना जी, बच्चों की कोई बात बात होगी तो हमारा भी नंबर आएगा ना जी। चौधरी साहब मेरा मतलब है कि बच्चों को फारग करके ना जी तो आदमी को थोड़ा सा सुकून मिलेगा कोई अपने बारे में सोचने का। भाई पुत्री जा ना डिनोनो को जाके अपना घर दिखा, कोई सारा ड्राइंग रूम कोई बेडरूम वगैरह, आखिर इसने इस घर में रहना है। जा शाबा इसको दिखा पूरा घर जा। नहीं बीबी जी मैं नहीं भूलूंगा, वरना चौधरी साहब फिर मेरे से छतरौल कर देंगे। अगर तुमने तुमने अगर पापा को कुछ भी कहा तो मैं उन्हें बताऊंगी कि तुमने उनकी जेब से पैसे निकाले। जी मैं चोर? हाँ तुम चोर। नहीं नहीं ये ठीक है, मैं अभी जाके चौधरी साहब को बताता हूँ, फिर इस तरह आप लोग बाज नहीं आएंगे। चोर ये नहीं चोर वो है, चोर ये नहीं चोर वो, चोर ये नहीं चोर वो, चोर ये नहीं चोर वो। क्या कह रहे? कुछ नहीं कह रहे, ये भूल गया। चौधरी साहब प्लीज। सदके जावा ओए तुसी ते प्लीज ना ना कहो, ओ मेरा दिल काऊ माऊ होंदा। चाचा क्या है? एक जरूरी बात करनी थी चौधरी साहब। क्या बात करनी है? ये दिनू नहीं है, दिनू है। ओए मुझे पता है डिनोनो कौन है, ये डिनोनो की मम्मी जान है। ये मम्मी जान नहीं है, ये चोर है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं चोर हूँ? हाँ चौधरी साहब ये आपका नौकर क्या कह रहा है, मुझे चोर कह रहा है। दबाओ यार यहाँ से, वो शक्ल गुम कर अपनी, खबरदार जो इधर आया तो दबाओ यार। माशाल्लाह काफी काफी मर्दाना हाथ है आपका। I'm really sorry. मैं जज्बात में बह के कश्मीर निकल गई। मैं भी मुजफ्फराबाद तक पीछे पीछे था, अगे आप गायब हो गए। इतनी प्यारी लग रही है आप। चौधरी साहब अब मुझे और डीनो को इजाजत दीजिए। सदके जावा कैसी बातें कर रही है, मैंने अब आपको जाने नहीं देना। क्या? हाँ वो आप छोटे से फ्लैट में रहती हैं, कोई अच्छी लगती है। देखिए जब तक माही और डिनोनो की शादी नहीं हो जाती ना, आप यहीं रहेंगी मेरे पास। डरा दिया मुझे, कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा, इतना टाइम क्यों लगा है? तुमने तो बुलाया क्यों मुझे यहाँ पे? हमारे हिटलर पापा ने देख लिया ना, शादी से पहले बेवा हो जाओगी तुम। तुमने कहा किसने था कि तुम रुक जाओ? तुम्हारे प्यारे पापा जी ने रोक लिया तो मेरा भी कसूर है। इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम मना भी तो कर सकते थे ना। मैं मना करता? बात बात पे बंदूक निकाल लेते, मुझे पता नहीं गुब्बारे वाला फट्टा लगाते थे। मैं कुछ कर रहा हूँ भी, जल्दी नहीं जल्दी तो सिर्फ नूडल्स बन सकते हैं। मैं सोचता हूँ। I'm sorry, Dino. मेरे एक झूठ की वजह से
कितना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। क्यों उदास होती हो? उदास तो मुझे होना चाहिए, तुम थोड़ी ना झूठ बोलना छोड़ोगे। अच्छा मैं संभाल लूंगा ना। I love you. हैं जी, हैं जी। तुम्हारी आवाज को क्या हो जाता है? फीका तुम्हारे पीछे है। अरे फीका तो कब से मेरे पीछे है? दीनो फीका तुम्हारे बिल्कुल पीछे है। मुझसे कुछ नहीं होता, मुझे पकड़ नहीं सकती। दीनो भागो फीका यहाँ। ओए ओए ओए। ये शिकित है। क्या हुआ चौधरी साहब, इतनी रात को कौन से शेर के शिकार पे निकले हैं आप? वो ये फीका मुझे बता रहा है कि आपके कमरे में कोई मर्द गया है। हा? क्या मेरे कमरे में मर्द? हाँ जी। चौधरी साहब आपका ये मुलाजिम बहुत ही छिछोरा है। मेरे कमरे में मर्द अगर है तो आप देख लीजिए, आपकी कसम मेरे कमरे में कोई मर्द नहीं है। जो साहब मैंने अपने इन गुनाहगार आंखों से देखा है। बकवास ना कर, दफा हो जा यहाँ से। चौधरी साहब आपने ये रशियन मुलाजिम क्यों रखा? जी देसी मिल नहीं था रहा मुझे। वैसे दुर्दाना जी मैं ना जी आई एम वेरी शेम, मैं माफी चाहता हूँ जी। सॉरी सॉरी। अल्लाह सब बख्शी को भी ना दे। क्या कहा तुमने? मैंने कहा कितने क्यूट और अडोरेबल बन रहे हैं। क्यूट एंड अडोरेबल? अभी कुछ देर पहले उनको कोस रहा था, पागल सांड बोल रहा था उनको। पागल सांड? पागल सांड? क्यूट सांड कह रहा था मैं। क्यूट वाला नहीं होता वो जो क्यूट। क्या कह रहे हैं ये? बकवास कर रहा है, इसकी तो आदत है बकवास करने की, इसकी नहीं सुनो। देखो अब तुम लोगों को मेरी सुननी पड़ी क्योंकि मेरे पास एक और आइडिया। तुम अपने मनुष्य आइडियाज अपने पास रखो, हम खुद कर लेंगे। बोलो सुनते हैं तुम्हारा आइडिया। फीके! और मेरी बंदूक ले गया। बंदूक से किसको मारेंगे? ओए दुर्दाना जी आप फिकर ना करें। ओए अगर मैंने इस डेनोनो का शिकार ना किया ना तो मेरा नाम भी चौधरी दिलदार नहीं है। फीके! मुझे अब इस दुनिया में नहीं रहना, मुझ पे लोग थू थू करेंगे, मेरा मंगेतर भाग गया, अब मुझसे कौन शादी करेगा? ओए तू फिकर क्यों करती है? ओए तू चौधरी दिलदार की ती है, मैं बहुत ही अच्छे लड़के से तेरी शादी करवाऊंगा। आ जा नीचे। एक अच्छा लड़का है, एक बहुत अच्छा लड़का है मेरी नजर में। अच्छा मेरे इतना बात है ना, मेरा ब्याह हुआ हुआ है। चुप बदतमीज, तुम बुरे लड़के हो। मेरी नजर में अच्छा लड़का है मेरा छोटा बेटा, बहुत अच्छा लड़का है। ये इतना छोटा बेटा आपका? आपका छोटा बेटा भी है? जी हाँ, मेरे दो बेटे हैं, एक छोटा और एक बड़ा। और माही की शादी मैं अपने छोटे बेटे से करूँगी। माही मेरे घर ही बहू बन के आएगी चौधरी साहब। सदके जावा ताड़े। सुन रही दुर्दाना आंटी क्या कह रही है? आ जा नीचे, आ जा अब शाबाश, आ जा आ जा आ जा। ओके पापा। बहुत ही प्यारा और नया नाम है, डीनो। छोटे बेटे का नाम भी डीनो? फिर डीनो? जी हाँ, एक लंबी कहानी है जो आपको छोटी करके सुनानी है। मेरी शादी को 10 साल गुजर चुके थे, 10 long years। दस 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 सब गुजर रहा था, रक्षा टैक्सी बस नहीं गुजर रही थी तो मेरी सांस नहीं गुजर रही। फिर एक दिन वो भी गुजर गई मगर मेरे यहाँ औलाद नहीं हो रही थी। फिर किसी ने मुझे एक हकीम के पास भेजा, हकीम ने डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने पीर के पास, कुछ जुमेरात जुम्मा हफ्ता, और फाइनली मैं एक फार्मिस्ट के पास पहुंची और उसने मुझे कहा तुम्हारे यहाँ दो होंगे, दो बेटे। फिर क्या हुआ? और वो हो गए। बहुत आला, बहुत आला। देसी घी वाला। फिर मैंने बदले में एक शर्त पूरी करनी थी। अब वो क्या जी? मैंने उन दोनों के नाम डीनो रखने थे। फिर मैंने रख दिए। सदके जाओ आपके, माशाल्लाह माशाल्लाह। और इस तरह मेरे हाथ दो बच्चे हुए जिनके नाम डीनो हैं।
और दूसरे जिनों से मैं अपनी लाडली की शादी करूंगी और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं अपने पोते का नाम भी डीनो ही रखूंगी। डीनो, और सुन लिया ना तूने? जी जी ये डीनो फैमिली है। अब मैं जाऊं? दिल तो नहीं चाह रहा लेकिन आप चाह रही हैं तो जाएं। भाई सदके डीनोनो नंबर टू, देख डीनोनो तेरा भाई तुम दुबा कर भाग गया है। तूने अगर ऐसी हरकत की तो मैं भूल जाऊंगा कि तू दुर्दाना जी की औलाद है। अरे नहीं नहीं अंकल, मैं भागने वाला नहीं हूँ। तू भाग के दिखा। क्या? ओए, अन्नी के मुहावरा बोला है। अच्छा। देख डीनोनो, माही मेरी बहुत ही प्यारी और इकलौती औलाद है लेकिन जरा सी जिद्दी है। सही कह रहे हैं आप, बहुत जिद्दी है अंकल। कोई जिद करती है वो जिद तो खत्म है उस पे। मैं कहता हूँ तू कैसे जानता है भाई को? मैं ऐसे जानता हूँ कि मैं माई को नहीं जानता। वो मामा ने कल कॉल की थी ना तो उन्होंने बताया था कि बहुत जिद्दी है, मतलब बहुत नहीं कहा था, उन्होंने कहा था जिद्दी है और बड़ी क्यूट है, क्यूट जिद्दी है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। शादी हुई या तेरी? शादी तो अंकल एक भी नहीं हुई अब तक। तो बच्चे? बच्चे दो भी नहीं है, वैसे दो होने चाहिए लेकिन क्योंकि शादी नहीं हुई तो बच्चे कैसे होंगे। देख डीनोनो, शादी तक तू यही रहेगा। क्या? हाँ मैं तेरे पे नजर रखूंगा। क्या? मैं भी नजर रखूंगा तुम। क्या? हाँ। और ये क्या 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 लगा रखी है तूने? अंकल मैं यहाँ नहीं रह सकता। फीके, मेरी बंदूक ना। ए, बाबे की छोटी बड़ी जे बंदूक है ये। हाँ अंकल मैं तो मजाक कर रहा हूँ, मैं यही रहूंगा। मेरे तो कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, वो भी यही रहेंगे। दुर्दाना में मतलब मुझ में अपनी बीवी दिखाई दे रही है यार। क्या? मुझे तो अपनी इज्जत खतरे में महसूस हो रही है। अच्छा मैं पापा को सब कुछ सच सच बता देती हूँ। अगर अब हमने सच बताया ना तो वो कभी भी हमारी शादी नहीं होने देंगे। तो क्या करें हम? यार फिलहाल तो हमें अपनी शादी की तैयारियां करनी चाहिए। वो कहते हैं ना मोहब्बत और जंग में सब जायज है, हमने तो एक छोटा सा झूठ ही बोला। I love you माही। I love you too, दुर्दाना आंटी। है जी, वो इतना बड़ा झूठ, मुझे तो पहले ही शक था इस दुर्दाना पे। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। वो दुर्दाना जी कहाँ है डीनोनो? वो नहा रही हैं। जी चलो कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेते हैं, जब वो आएंगी ना फिर खाऊंगा मैं तो। आप क्यों इंतजार करेंगे, आप खाना खाएं, वो तो बहुत देर लगाती है नहाने में। और कितनी की देर तक ना आएंगी, मैं इंतजार करता हूँ, तुम लोग शुरू करो, चलो खाओ 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 बेट डालो। पापा वो बस बंदूक लाओ और बस बस। इतना खाना तो मैंने पूरे महीने में नहीं खाया, चौधरी के बच्चे ने मुझे खाना खिला दिया। रौनक लगा लो, रौनक लगा लो, तेरे पेट में रौनक लग गई, अब ये पता नहीं कहाँ कहाँ लगेंगी। चल बेटा बन जा जल्दी से दुर्दाना। ये ले उधर रख। ले जी दुर्दाना जी, कोफ्ता खाएंगी ना तो फिर उंगलियां ही चटेंगी आप अपनी। ये बड़े स्पेशल कोफ्ते हैं जी हमारे यहाँ के। हाँ जी उधर आ। चले जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह खाएंगी खाएं। रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हो? अगर तुम्हारे बाप के जासूस ने देख लिया ना तो मैं भरी जवानी में ऊपर निकल जाऊंगा। रिलैक्स, मेडिसिन लेके आई हूं तुम्हारे पेट के लिए। मैं अपने पेट में अब मजीद कुछ नहीं डाल सकता, पहली स्टोर रूम बन गया वो। डीनो, मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि कोई मुझसे इतना प्यार कर सकता, मेरी खुशी के लिए इतना कुछ करना, मेरे लिए अपनी माँ खुद बन जाना, मेरे लिए 20 लोगों का खाना खाना और तुम्हारे तुम्हारे बाप तुम्हारे ठर की बाप को बर्दाश्त करना। दुर्दाना जी,
दुर्दाना जी दरवाजा खोले जरा। तुम्हारे पापा इस वक्त क्या कर रहे हैं? दुर्दाना जी जरा दरवाजा खोले ना, मैंने आपको कुछ देना है। अंकल। हाँ जी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये आप मेरी मम्मी के कमरे के बाहर क्या कर रहे हैं? मैं आपकी मामा के कमरे के बाहर ये कर रहा हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि रात के इस वक्त आप मेरी मम्मी के कमरे के बाहर ये परफॉर्मेंस क्यों दे रहे हैं? हाँ नहीं पुत्र, वो परफॉर्मेंस नहीं, वो दरअसल मैंने कहा मेहमान है, ठहरी हुई है, मैं जरा पूछ लूँ उनसे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तकलीफ तो नहीं है, सब अच्छा अच्छा है ना, इसलिए आया था। मुझे आपकी नियत पे कुछ शक हो रहा है। तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, कैसी बातें कर रहे हो? डिनोनो आपके हाथ में क्या है? मेरे हाथ में क्या है? कुछ भी नहीं, मेरे हाथ में ये उंगलियां हैं, ये घड़ी है। और आपके दूसरे हाथ में क्या है? दूसरे हाथ में क्या? कुछ भी। याद आया मुझे, ये मैंने ना एक दरखास्त लिखी है और मैंने कहा जरा दुर्दाना जैसे जाके ना वो माशाल्लाह जरा पढ़ी लिखी है तो इसके ना हिज्जे करेक्ट करवा लूं जरा। तो मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मैं देख लेता हूँ हिज्जे हुज्जे करेक्ट है। नहीं, ले जो हिज्जे फिर दुर्दाना जी देख सकती है ना, और वो तुम तो नहीं कर सकते ना पुत्री, मैं उन्हीं से करवाऊंगा। मम्मी बता रही थी कि आजकल कोई ठरकी बुड्ढा उन्हें बहुत तंग कर रहा है। लेकिन आपकी मामा ने ये मुझे तो नहीं बताया। आप बेटे नहीं है ना उनके, ऐसी बातें माएं अक्सर अपने बेटों को बताती हैं। हाँ ये भी ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर वो बुड्ढा मेरे हाथ आ जाए तो उसकी तो मैं ऐसी दुर्गत बनाऊंगा कि खैर आप तो जाइए, आप आराम कीजिए, आपका क्या इस बात से ताल्लुक है? वो मेरी एक बात याद रखी पुत्री, ये जो बाबे होते हैं ना वो ये थोड़े कीते हाथ नहीं आते, ये बड़े कुन्ने होते हैं। वैसे अगर वो बाबा तेरे हथे चढ़ गया ना तो जरा हाथ हौला रखी। मैं ही दुर्दाना हूँ, डीनो भी मैं ही हूँ। हाँ लेकिन उन बेचारे को थोड़ी पता है, उनकी फीलिंग्स तो सच्ची है। उनकी फीलिंग्स सच्ची है तो क्या मैं भी सीरियस हो जाऊँ? मुझे पहले ही तुम्हारे पापा की नियत पे शक था। डीनो मेरे पापा एक बहुत मासूम इंसान है, मैं उनकी फीलिंग्स हर्ट नहीं कर सकती। तो उनकी फीलिंग्स के चक्कर में मैं अपने आप को पूरी जिंदगी के लिए हर्ट कर लूं, तुम्हारी मम्मी बन जाऊं? नहीं, मैं उनको सच बता दूंगी, मैं सब कुछ बताऊंगी और माफी मांगूंगी, वो मुझे तो माफ कर देंगे। और मुझे वो मार के ना बाहर लॉन में गाड़ देंगे, और तुम शादी कर लेना उस मूदी भट्ट से। डीनो और तुम कर भी लोगी। डीनो और तुम कुछ भी रहोगी। डीनो यार देखो हम बहुत मुश्किल से इतनी दूर तक आए हैं, प्लीज 6 दिन बाद हमारी शादी है, थोड़ा सा रुक जाओ, शादी के बाद मैं उनको सब कुछ बता दूंगा और मैं उनकी फीलिंग हर्ट नहीं होने दूंगा, कसम से। प्रॉमिस। प्रॉमिस। मजे की शॉपिंग होगी, बोला करने से आए 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 इतने कहेंगे मैं खिलाऊंगा मेरी शादी को। ओ भाई लाल टोपी वाले मेरी जान दो, ये डंडे को ले दो बना देना जल्दी से। ओए मिस, ओए सदके, ये ले। मुझे एक प्रॉमिस ने कहा था कि जब भी तुम शादी करोगी तुम्हारा मियाँ पहली रात को ही मर जाएगा। तो मैं तो वैसे ही यहाँ पे मरा हूँ, ये रिस्क ले लेने देना मुझे। दुर्दाना जी अगर आपसे मेरी शादी ना हुई ना तो मैंने वैसे ही मर जाना। क्या कह रहे हैं आप? हाँ ना मरना तो मैंने है ना। अच्छा ठीक है, पहले बच्चों की शादी तो हो जाने दी, उसके बाद फिर हम अपने बारे में सोचेंगे। इसका मतलब है कि आप सोच नहीं है मेरे बारे में। अच्छा फिर मैं हाँ समझू ना। शर्मा गई, अल खामोशी नीम रजा मंदी। चौधरी साहब। ओए हाँ जाओ ना। क्या जाओ, बंदूकें देख रही हूँ, इतनी तो हमारे घर में चप्पलें नहीं है। मेरे दादे के जमाने की है ये नहीं चलती, चलो। तुम्हारे अब्बा भी तो तुम्हारे दादा के जमाने के, वो तो अब तक चल रहे हैं। चल नमी खबर ले आओ। ओ क्या आप खबर सुनेंगे तो पुड़क के उठ जाएंगे। ओए क्या बोल भी तो सही। चोई साहब हाँ मैं भूल गया जी। ओ ये जो तेरे भूलने की आदत है ना, ओ क्या खबर है बताता क्यों नहीं? आप इतनी जोर से बोल रहे हैं मैं भूल गया जी। ऐसे चलो मैं आज तक बोल तो बता क्या खबर है।
और तू तो ऊंचा बोल ना। सोई साहब वो दुदाना दुदाना नहीं है। क्या वो क्या कह रहा है? सोई साहब दुदाना दुदाना नहीं है। और दुर्दाना दुर्दाना नहीं है तो फिर कौन है? वो दुर्दाना कौन है? ओके मैं लिखना भूल गया सोई साहब। ये जो तेरी भूलने की आदत है ना वो इसने सारा काम खराब किया हुआ है। राख किस होती है? ओए सोच बता दुर्दाना कौन है? दुदाना दुदाना हाँ ओ याद कर याद कर। दुदाना ओए फीके ओ ये जो तेरी भूलने की आदत है ना याद कर याद कर। मैं तो टोपी उतार दूँगा तेरी। याद कर। आया आया याद आया आया याद आया। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? तेरी माँ? नहीं तुम मेरी माँ नहीं हो सकते। कह दो कि ये झूठ है। कह दो कि ये झूठ है। बकवास बंद कर। माही ने मुझे मैसेज किया तो मैं आ गया। अच्छा ही हुआ तेरी शादी अटेंड कर लूंगा। बाल बाल बच्चे और अगर आज पापा को पता चल जाता ना तो हमारी शादी कभी ना होने देते। यार इसके पापा तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए। वो तो मुझे ऊपर ले जाके ही छोड़ेंगे। तो शुक्र है तू शेव करके आ गया। कितनी बार तुमने कहा मेरे पापा के पीछे मत पड़ा करो। कुछ मत कहना उन्हें, वो बहुत अच्छे इंसान है। तुमने वादा किया था कि शादी के फौरन बाद तुम पापा को सब कुछ सच सच बता दोगे। अगर तुम्हारे पापा की और मेरी शादी होगी ना तो सब कुछ उन्हें खुद ही सच सच बता देंगे। इसका मतलब है मेरा दोस्त गया शादी के बाद। मैंने इसको यहाँ बुलाया। यार तुम्हारे और तुम्हारे पापा की हरकतें मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही हैं। Be quiet, Dino. तुम्हें क्या लग रहा था यहाँ तुम्हारे लिए एक नई नवेली दुल्हन बैठेगी? तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम शादी के फौरन बाद पापा को सब कुछ सच बताओगे। हाँ सही है लेकिन तुम मेरे कपड़े पहन के यहाँ क्या खड़ी हो? हाँ कम्फर्टेबल है और दुपट्टा वैसे भी तुम पे ज्यादा सूट करता है। खैर जाओ चलो उठो चलो। कौन सा वक्त है यार? जाओ चौधरी साहब। ओए बिस्मिल्लाह। ओए सदके जावा। ओए शुक्र है। ओए आपकी शक्ल देखने का मौका मिलेगा अब। लेकिन मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आई लव यू टू जी। ये तो मैंने कहा ही नहीं है? असल में बच्चे। ओए बच्चों की तो आप फिक्र ही ना करें जी। कम अज कम 10 बच्चे तो करेंगे इंशाल्लाह। ये तो कुछ ज्यादा हो रहा है कुछ कम कर ले। अच्छा ना आप गुस्सा ना करें ना जी। और को डेढ़ दो काम कर लेंगे जी। मैं आपको जानती हूँ आप नहीं करेंगे। सदके जावा कितनी शरीर है आप। मैं शरीर नहीं हूँ मैं डीनो हूँ। पापा जी असल में वो आपते माही ने झूठ बोल दिया था और उस चक्कर में मुझे सब कुछ करना पड़ा। मुझे थोड़ी अंदाजा था आप अपने दामाद के चक्कर में पड़ जाएंगे। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। मैं प्यार करता हूँ माही से। पापा जी फिका बंदूक ला मेरी। आया जी। पापा जी मैंने तो ले ही आया। ये नहीं चीज़ हो सकता।